हाय, ये एक वेडिंग ट्रेलर, वेडिंग टीज़र कैसे बनाना होता है उसका ये वीडियो है। ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो ऐसा अपलोड किया है जहाँ पे आपको जो ये वेडिंग टीज़र या ट्रेलर है ना, जो आजकल का ज़माना है कि लोग 3 से 5 मिनट का वीडियो बनाता है या 10 से 15 मिनट का एक फिल्म बनाते हैं पूरी शादी को मिला के, सिर्फ एक वीडियो ऐसा देते हैं जहाँ पे एकदम इंटरव्यू लेते हैं कपल का, जो पूरा जो शादी है एकदम ही सिनेमैटिक शूट करके, एकदम ही मस्त, एकदम ही कैंडिड मोमेंट्स सारे लेके एकदम ही सिनेमैटिक फिल्म बना देते हैं एक शादी का। इसको हम लोग बोलते हैं वेडिंग ट्रेलर। और इस वेडिंग ट्रेलर या वेडिंग टीज़र भी काफ़ी लोग उनको बोलना पसंद करते हैं, या वेडिंग सिनेमैटिक फिल्म बोलना पसंद करते हैं। इसको आज हम, इसका जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है, वो आपको हम लोग देने वाले हैं। देखिए, पहले के वीडियो में हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब मैं खुद एडिटर हूँ तो मैं कैसे उसको एडिट करती हूँ, और मतलब मैंने क्या सोच के इस वीडियो को एडिट किया था ना, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने समझाया है। पर इस वीडियो में आप खुद कैसे ये पूरा जो है पूरा प्रोसेस समझ सकते हो, कर सकते हो, ये आप सीखने वाले हो और सीख समझने वाले हो। जब ये वीडियो इतना इन्फॉर्मेटिव है, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेडिंग ट्रेलर। अभी वेडिंग ट्रेलर बनाने के लिए आपको लगेगा एक सिनेमेटोग्राफर। काफ़ी लोग जो है ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर को बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर होता है वो स्टार्ट टू एंड सामने से पूरी शादी शूट करता है, जो पहले के ज़माने से शूट करते आ रहे हैं। उसके एंगल में से भी आप बना सकते हो, पर वो एक प्रॉपर सिनेमैटिक वीडियो नहीं है। अगर हम एक सिनेमैटिक वीडियो की बात करें तो आपको चाहिए सिनेमैटिक एंगल। तो जो सिनेमेटोग्राफर है इसका इसमें रोल बहुत ही बड़ा हो जाता है कि वो कौन से अलग अलग लेंसेज के साथ, और स्टेबलाइजर जो रहते हैं, मतलब गिम्बल रहता है या मोनोपॉड रहता है, वो सारा यूज़ करते करते कैसे अच्छे अच्छे एंगल लेता है और आपके लिए कंटेंट जमा कर रहा है। अगर आपको वेडिंग सिनेमेटोग्राफी समझनी है तो ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो बनाया है, काफ़ी लोगों को पसंद आया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें से सारे बेसिक्स और जो कॉन्सेप्ट है सिनेमेटोग्राफी का वो समझाया है। अभी ये जो भी सिनेमेटोग्राफर जो सिनेमेटिक शॉट्स लेके आते हैं, मतलब ब्राइडल का एकदम यूनिक अच्छा शॉट, या तो फिर एकदम कपल का अच्छा फोटो शॉट, या फिर जो विधि हो रही है उसमें जो अच्छा शॉट्स लगते हैं, संगीत के टाइम पे जो मोमेंट्स लेते हैं, वो सामने से कोई सादा शूटिंग नहीं है। ये एकदम ही अच्छे से, एकदम ही मस्त शॉट्स लिए हैं, अंदर जाके, क्लोजअप जाके, वाइड में रह के, एकदम अलग अलग शॉट यूज़ करते करते लेकर उन्होंने जो है ये पूरी की पूरी जो वेडिंग है उसको कैप्चर किया है, शूट किया है। स्टोरी टेलिंग बनाने के लिए उन्होंने लोगों का इंटरव्यू लिया है। देखिए, अगर मैं म्यूज़िक के ऊपर ही शॉट्स डाल के दे दूँ आपको तो कैसा लगेगा, एक म्यूज़िक वीडियो बन जाएगा। पर जब भी आपको उस शादी की स्टोरी शूट करनी है, आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, जो भी लोग आए हैं, जो इनके मेन घर वाले हैं, जो कपल को अच्छे से जानते हैं, जो कपल है वो भी अपनी स्टोरी बोलता है, तो इन लोगों को आप इंटरव्यू लेते हो, और इंटरव्यू लेकर आपको उनके पास से कंटेंट जमा होता है। मतलब वो जो बोल रहे हैं, जो शब्द वो लोग बोल रहे हैं, इससे आपकी जो फिल्म है इसमें डायलॉग आ जाते हैं। डायलॉग, जैसे कि कोई भी फिल्म में डायलॉग होते हैं, वैसे आपकी फिल्म में भी डायलॉग बनेंगे। जो सिनेमेटोग्राफर होता है वो ये सारी चीज़ें कैप्चर करके आपके पास लेके आता है। अभी ये आपका काम है कि आप उसका क्या करोगे। कहते हैं कि एक रियल स्टोरी टेलर तो ये है जो एडिटर काम करता है, राइटर राइटिंग का काम करता है। जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं ना, राइटर राइटिंग का काम करता है। जो सिनेमेटोग्राफर होता है वो सिनेमैटिक शूट लेता है, डायरेक्टर काम करता है। पर एडिटर इज़ अ रियल स्टोरी टेलर, वो रियल हीरो होता है। वो कैसे उस स्टोरी को अच्छा भी बना सकता है या एकदम बुरा बना सकता है, ये उसके हाथ में है। एज अ एडिटर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस कैसे उस पूरी फिल्म को एडिट करके एकदम ही मस्त प्रेजेंटेशन दिखाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको मेरा काम देखना है कि मैंने कौन सी फिल्म और कैसे एडिट की है, आप हमारी YouTube चैनल पे जा सकते हो। वेडिंग स्टोरी टेलर्स की YouTube चैनल है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है वीडियोज़ एडिट करके डाले हैं, आप वो सैम्पल के हिसाब से देख सकते हो। जब मैं बात करूँ एडिटर की, तो सबसे पहले आता है आपके पास SD कार्ड या CF कार्ड, जहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफर है उससे अपना DSLR में जितना भी डेटा लिया है वो सारा डेटा वो SD कार्ड में रहेगा। वो SD कार्ड को आपको लोड करना है, लोडिंग करके सही से नंबरिंग करके दो जगह पे उसको कॉपी पेस्ट करना है, ताकि अगर एक जगह से डेटा उड़ गया तो आपके पास बैकअप रहेगा दूसरी हार्ड डिस्क का। तो ऐसे करके आपने दो जगह पे उस डेटा को कॉपी किया है।
ये पहला चीज़ है कि अच्छे से नाम नंबर के साथ कि किसका एंगल है, वो किसका एंगल है, वो आपके पास पूरा शेड्यूल आपके सामने आ गया। इतने फंक्शंस थे, काफ़ी एडिटर को यही पता नहीं होता कि फंक्शन क्या क्या थे। एडिटिंग होने के बाद पता चलता है अच्छा ये भी फंक्शन रह गया, वो भी फंक्शन रह गया, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बात हो गई। आपको स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए कौन से फंक्शन है और कितने कितने कैमरा एक फंक्शन में लगे हुए हैं। आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके पास फुटेज क्या है, क्या फुटेज शूट करके लोग लेके आए हैं। तो इसके लिए हर फंक्शन के हिसाब से कार्ड अच्छे से लोड करके आपको नंबरिंग दे के आपको पता होगा कि ये सारे शूटिंग आपके पास अभी आया है। स्टेप टू है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करते हो। मतलब देखो, मैं EDS सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, EDS 8 और अभी 10 भी आ गया है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो Adobe Premiere Pro यूज़ कर सकते हो, जो बहुत सारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर यूज़ करते हैं। Final Cut Pro भी लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके पास Apple का PC है तो आप उसमें भी Final Cut Pro का जो एडिटिंग है वो भी, उसका भी बहुत अच्छा आउटपुट है, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं EDS इसके लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लगता है और काफ़ी सारा जो है फॉर्मेट के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा पड़ता है। कभी कभार मैं Adobe Premiere Pro भी काम करती हूँ, डिपेंड करता है कि कौन सा फुटेज मेरे को कैसे एडिट करना है। यूजुअली मैं EDS पे काम करती हूँ। अभी जैसे ही आपने ये सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिया, प्रोसेस तीसरा होता है कि ये जितना भी फुटेज है उसको नाम नंबर के साथ वहाँ पे पूरा लाइनअप कर दीजिए कि ये सारा जो है हमको एंगल यूज़ करना है, और एक सीक्वेंस में वो सारा जो टाइमलाइन रहता है जहाँ पे आप वीडियो को एडिट करते हो वहाँ पर ये सारा फुटेज ले लीजिए। जितना भी फुटेज जितने लोगों ने शूट किया है वो फंक्शन के हिसाब से अलग अलग करके, सभी लोगों का एंगल अलग अलग करके आप ये सारा फुटेज टाइमलाइन पे ले लीजिए। जैसे ही आप ये सारा फुटेज लेते हो, अभी आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल अच्छा है। देखो, ये लोग शूट करते रहते हैं, सिनेमाटोग्राफर लोग करते हैं, शूटिंग बहुत सारा लेते हैं। क्या आप सारा का सारा डालने वाले हो? 10 घंटे का फुटेज देखने के बाद मैं सिर्फ 3 या 5 मिनट का वीडियो बनाती हूँ। सोचो ज़रा, इतने सारे घंटे, मतलब मेरे को 3 दिन तो सिर्फ शूटिंग देखने में चले जाते हैं कि इन्होंने शूटिंग जो है क्या किया है, कौन सा एंगल था, कहाँ से एंगल लिया गया है, कौन सा सबसे बेस्ट शॉट था, वो मैं पहले सिलेक्ट करती हूँ कि ये अच्छा एंगल है, ये शॉट मस्त है, ये शॉट इतना खास नहीं है, अच्छा ये मस्त है। ये सारे जो शॉट्स हैं वो मैं सिलेक्ट करती हूँ। फिर आता है इंटरव्यू की बारी। अभी इतना सारा, कभी कभी तो 1-1 घंटे का इंटरव्यू लेके आते हैं, उसमें से सिर्फ मैं 30 सेकेंड, 1 घंटे का इंटरव्यू है उसमें सिर्फ मैं 30 सेकेंड का इंटरव्यू सिलेक्ट करती हूँ कि ठीक है ये जो लाइन है ना ये अच्छा बोल दिया है, वो जो लाइन है ना वो अच्छा बोल दिया है। काफ़ी लोगों जो है उनको इंटरव्यू देना आता ही नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं ऐसा करते हैं, काफ़ी लोग ना टॉपिक के बाहर ही बात कर रहे हैं। तो इतना सारा जो है वेस्ट कंटेंट है उसको सबको कट 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 करते करते वो सिर्फ 30 सेकेंड का है, वो मैं जो बेस्ट लाइंस है कि वाह क्या लाइन बोल दिया है, अभी उसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। अभी इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद और शॉट सिलेक्शन के बाद कि भाई ये सारे बेस्ट शॉट्स है, ये अच्छे मस्त एंगल लिए हैं, वो सारा शॉट लेकर मैं एक टाइमलाइन पे आती हूँ कि ये सारा जो है हम लोग को फुटेज यूज़ करना है, ये मेन है। इसके बाद का प्रोसेस है गाना सिलेक्ट करना। आप कौन सा गाना सिलेक्ट करोगे, कौन सा गाना इस वीडियो के हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा? देखिए, अभी यही होता है साइकोलॉजी गेम। एज अ एडिटर बोलते हैं कि आप रियल स्टोरी टेलर हो। मतलब क्या होता है कि आप इस शादी की सबसे बेस्ट स्टोरी सामने वाले के पास लेके आओगे, उसका इंटरव्यू सुन के, उनका शॉट देख के आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे हैं, क्या ये लोग एकदम मस्ती वाले चिलबुले फन टाइप लोग हैं। तो आप ऐसा गाना सिलेक्ट करोगे जो थोड़ा चिलबुला और फन टाइप है, ठीक है। मतलब सपोज़ कि नच देने सारे है, या ऐसा कोई फास्ट बीट है, या ये भी जो भी मैंने गाने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे जो गाने हैं ये होते हैं थोड़े फन टाइप गाने, एकदम मस्ती वाले गाने, एकदम हंसमुखे, एकदम ऐसे कुछ गाने हैं, ठीक है। ये वाले गाने तब अच्छे लगेंगे अगर सामने वाला जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा फनी टाइप है, बहुत ही मस्ती की है शादी में, हल्दी के मोमेंट्स बहुत ही मस्त है, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा हो गया कि शादी एकदम ही सीरियस है, रोमांटिक कपल है, एकदम स्लो मोशन वाले शॉट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप कैसे गाने लोगे? थोड़ा सा आप समझो मेरे सोनिया जो कबीर सिंह का गाना है, या उस टाइप के स्लो मोशन वाले गाने जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ऐसे सारे गाने उन पे अच्छे लगेंगे। आपको ये डिसीजन कैसे लेना है, ये सोच के कि आपको जो फाइनल आउटपुट बनाना है, जो फाइनल फिल्म आप बनाने वाले हो, उसमें ये जो लोग हैं, ये जो शॉट्स आपने देखे हैं या जो इंटरव्यू आपने देखा है, इसके बेसिस पे क्या अच्छा लगेगा जो जो इस शॉट को जान देगा। देखिए, गाना, ऑडियो,
जो कोई भी फिल्म का 50% गिना जाता है। मतलब अगर एक सिनेमाटोग्राफर बहुत अच्छा शूटिंग कर ले और आपने भी बहुत अच्छे अच्छे शॉट निकाल दिए है, ये सारी मेहनत एक साइड, एक 50% मेहनत की एक साइड, और आगे का 50% होता है गाना, ऑडियो, इंटरव्यू। ये ऑडियो जो साउंड है वो आपने कौन सा लिया है, तो क्योंकि ये जो वीडियो होता है वो क्या होता है, ऑडियो वीडियो होता है, एवी मोड रहता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो रहता है। तो इसके लिए आपको ऑडियो को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसा सॉन्ग सिलेक्ट करना चाहिए जो इसके लिए अप्रोप्रिएट हो। पहले पहले आप बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं उनका काम देखिए, देखिए कि कौन से शॉट में उन्होंने कैसा गाना बिठाया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शॉट एकदम फनी है और गाना एकदम स्लो है, बहुत ही बेकार दिखता है, क्लाइंट एक ही बार में रिजेक्ट भी कर देता है और आपको भी लगता है कि क्या फालतू कुछ भी बना दिया है। आपको ये देखना है कि एकदम मस्त बैठना चाहिए, गाना एकदम लगना चाहिए कि क्या मस्त सेटिंग किया है गाने का, उसका ना पूरा माहौल बन जाना चाहिए, पूरी शादी का माहौल जैसे आपने वो सिनेमेटिक फिल्म में बना दिया। तो इसके लिए गाना सही से सिलेक्ट करो। गाना सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्लाइंट गाने को रिजेक्ट कर देता है, भले आपने बहुत ही अच्छा गाना सिलेक्ट किया है। तो गाना डालने से पहले क्लाइंट के साथ बातचीत कर लो। क्यों? क्योंकि पूरा के पूरा गाने के ऊपर ही आप सारे अच्छे अच्छे शॉट बिठाओगे और आपका फिल्म एकदम अच्छा दिखने वाला है, राइट? तो आपको जो है जो सही गाना सिलेक्ट करके क्लाइंट के साथ बातचीत करके उनके पास अप्रूवल लेके ही आप एडिटिंग करो, क्योंकि फिर आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। एक बार आपका गाना सिलेक्ट हो गया, आपके शॉट सिलेक्ट हो गए, फिर तो बस आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है। स्क्रिप्ट मतलब कि पहले ये शॉट आएगा, फिर ये इंटरव्यू आएगा, पहले ये वाला गाना आएगा, फिर ये वाला इंसान ऐसा बोलेगा, फिर ये वाला आएगा। ऐसे आपको एक टाइमलाइन बनानी है। टाइमलाइन में क्या होगा, गाना होगा, इंटरव्यू होगा, एक पूरी स्टोरी रेडी हो गई। आपने कुछ एडिट वेडिट नहीं किया है, बस एकदम कि ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा, मेन चीज़ें वहाँ पे बिठा दी कि भाई ऐसा कुछ दिखेगा। आपके माइंड में फाइनल क्या दिखने वाला है उसका पूरा विजन, उसका पूरा बोर्ड आपके सामने रेडी हो जाता है आपकी टाइमलाइन के ऊपर। इसके बाद आपको जो भी अच्छे अच्छे शॉट्स है, ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगा है, उस गाने के हिसाब से वहाँ पे बिठाना शुरू कर दीजिए। वन बाय वन, क्लिप बाय क्लिप, अच्छा बिठाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करते करते एक या दो दिन में आप ये पूरा का पूरा बिठा दोगे। उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो है वीडियो देख के उसका कलर्स ठीक करना है। कभी कभी कोई में ब्राइट हो गया है वीडियो, डार्क हो गया है, कहीं कहीं ऐसा लगता है यार एकदम कलर एकदम फीका पड़ गया है, जो भी है, जो स्किन में है पिंपल बहुत ज़्यादा हो गया है, जो भी है, ये सारे जो है उसको कलर करेक्शन करना है। सबको कलर करेक्शन कर दो। जो ऑडियो है उसका जो है भी है क्वालिटी सही कर दो, एकदम सही। ऐसा नहीं कि ऑडियो बढ़ गया फिर कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही ऑडियो सुनने में अच्छा लगना चाहिए, वीडियो देखने में अच्छा लगना चाहिए। हो गया ट्रेलर रेडी, बस इतना ही था, उसको हाई रेजोल्यूशन में अपलोड कर दो, हो गया। इसको बोलते हैं एकदम अच्छा सिनेमैटिक वीडियो। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आपको कभी भी कोई काम देखना है आप हमारी चैनल पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो, फोटोग्राफी एजुकेटर्स के इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो ये सारा काम प्लीज़ करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई थी ये टाइम आपके पास, एंड थैंक यू सो मच, सी यू सून। Thank you.